नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका चार कुकिंग में। आज मैं आपके साथ एकदम इजी और सिंपल रेसिपी शेयर करूंगा मटर पनीर की। बहुत से लोगों ऐसे कमेंट आते हैं कि सर ग्रेवी के लिए काजू खसखस मगज बीज वगैरह नहीं मिलता है, तो आज बगैर काजू खसखस के बनाएंगे मटर पनीर का सब्जी एकदम ईजी तरीके से। वीडियो लास्ट तक देखना ताकि आपके समझ में आए और आप कम से कम सामान में घर में कैसा मटर पनीर बनाए। 20 से 25 लोगों को बना रहा हूँ मैं आज, तो चलिए शुरू करते मटर पनीर का सब्जी बनाना। 25 से 30 लोगों के लिए एकदम इजी तरीके से ये हमने 1 किलो पनीर ले लिया बारीक कटिंग करके। तो मटर पनीर का सब्जी बनाने के लिए अपने को क्या क्या लगेगा। पनीर हमने ले लिया, ये हमने ग्रीन पीस लिया है फ्रेश वाला जो हमने बॉईल करके रखा है। ये 1 किलो प्याज लिया है लंबा लंबा स्लाइस कट करके। पहले प्याज को सेक लेंगे थोड़ा तेल डाल के। गैस पे हमने कढ़ाई रख दिया है, इसमें थोड़ा तेल डालेंगे पहले। अभी प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को सेक लेंगे अच्छे से 4 से 5 मिनट प्याज को सेकने को लगेगा अपने को। आप देख सकते हैं हल्का हल्का कलर चेंज हो गया, और 2 मिनट फ्राई कर लेंगे अच्छे से। बस चलाते रहना है बस खाली अपने को। आप देख सकते हैं हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया, इसको 4 मिनट लगा है सेकने के लिए। अभी गैस बंद कर देंगे और ठंडा होने तक इंतज़ार करेंगे। प्याज आप देख सकते हैं बिल्कुल ठंडा हो गया। अभी एकदम बारीक पेस्ट बना लेंगे इसका। मिक्सर के जार में डाल के बारीक पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा पानी डाल के पीस लेंगे। इसके लिए हमने 1 किलो टमाटर लिया बारीक काट करके, इसका बारीक पेस्ट बना लेंगे। प्याज हमने पीस लिया है, टमाटर भी हमने पीस के लिया है। गैस हमने चालू कर दिया, इस पर कढ़ाई रख दिया, सेम कढ़ाई है वो। अभी तेल डालेंगे, सबसे पहले 300 ग्राम करीब तेल डालेंगे। तेल गर्म हो गया, सबसे पहले जीरा डालेंगे। जीरा हमारा चटनी लग गया, अभी पिसा हुआ प्याज ऐड कर देंगे। 2 मिनट तक सेक लेंगे प्याज को अच्छे से। कई जगह का बहुत प्रॉब्लम आता है, गले में बहुत कुछ सामान लगता है, काजू खसखस मगज बीज। आज उनके बगैर ही सब्जी बना रहा हूँ मैं, एकदम नॉर्मल सब्जी, तो आपको ज़रूर पसंद आएगी ये सब्जी। 2 मिनट हो गए सेकते हुए, अभी मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हल्दी डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक सेक लेंगे अच्छे से। आप देख सकते हैं 2 मिनट हो गया, मसाला सेक के तैयार है बिल्कुल। ये मैंने 2 फ्रेश कोकोनट लिया है, ऊपर का छिलका निकाल के इसको बारीक पेस्ट बना लिया। अभी ये ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा मसाला बिल्कुल कंप्लीट तैयार है। अभी एक बारीक पिसा हुआ टमाटर वो ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। 4 से 5 मिनट मसाले को अच्छे से पका के लेंगे। मसाला पूरा मिक्स होके तैयार है। सबसे पहले नमक डालेंगे, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं आप, कोई कम खाता कोई ज़्यादा खाता है वो हिसाब से। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे, पानी ऐड कर रहा हूँ अभी, एक बार चला लेंगे। चार से पाँच मिनट अच्छे से ढक्कन लगा के पका लेंगे, और बीच में चला ले भी लेंगे, एक दो बार चलाना ज़रूरी है ताकि नीचे लगे नहीं। अभी एक बार चेक कर लेंगे ढक्कन हटा के, अच्छे से उबाल आ गया है। अभी इसमें ऐड करूँगा लहसुन और अदरक का पेस्ट। आप चाहे तो मसाले में डाल सकते हैं, लेकिन ऊपर से डालेंगे तो फ्लेवर बहुत अच्छा रहता है।
गांव में ये तरीके से बनाते हैं हम लोग। अभी मिक्स कर लेंगे। लहसुन अदरक ऊपर से डालने से उसका फ्लेवर बहुत अच्छा रहता है। अभी और 2 से 3 मिनट ढक्कन लगा के पका लेंगे। अभी 2 मिनट हो गया, चेक कर लेते एक बार। मसाला पक के तैयार है अपना। अभी पनीर ऐड करेंगे। मैं फ्राई पनीर मैंने फ्राई नहीं किया, आप चाहे तो फ्राई करके भी डाल सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे मसाले में और 2 मिनट पकाएंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे से और 2 मिनट पकाएंगे। 2 मिनट हो गया, एक बार चला लेंगे। बिल्कुल हमारी सब्ज़ी तैयार है। अभी इसमें ऐड करेंगे ग्रीन पीस। ग्रीन पीस हमने बॉईल करके रखा है। फ्रोजन पीस भी मार्केट में मिल जाता है अगर फ्रेश मटर नहीं मिले तो। फ्रेश मटर की सब्ज़ी बहुत अच्छी रहती है। थोड़ा सा कसूरी मेथी डालेंगे, हाँ दोनों हाथों में मसल के। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा रहता है। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। थोड़ा नमक कम है, थोड़ा नमक और ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। थोड़ा फ्रेश धनिया डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। हमारी सिंपल मटर पनीर की सब्ज़ी बनके तैयार है। एकदम सिंपल तरीके से बनाए आप, ताकि घर में ज़रूर बना सके ये देख के। तो हमारी सब्ज़ी कंप्लीट तैयार है। अभी एक सर्विस बॉल में निकाल लेंगे। ये हमने सर्विस बॉल लिया, इसमें निकाल लेंगे। अभी थोड़ा फ्रेश धनिया डालेंगे ऊपर। हमारी सिंपल मटर पनीर की सब्ज़ी बन के तैयार है। आप भी घर पे बनाइए। चपाती, पराठा, जीरा राइस, पुलाव या पूड़ी किसी के साथ भी खा सकते हैं आप। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए रेसिपी।